ये कोई पहले से बनी हुई पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। सब हम लोगों ने दिल्ली में बनाई, और इसलिए बनाई कि लोगों को रोजगार मिले, सहूलियत मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन वो नहीं खत्म हुआ, वो यहाँ दिख रहा है। इस त्योहार के टाइम पे हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद 5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली तो हम सब कर्जे में हो गए। दूध वाले राशन नहीं दे रहे हमें, दुकान पे जाते हैं हम खा लेते हैं, कर्जा कर रखा है दुनिया भर का, दुनिया ने ब्याज के पैसे ले रखे, ब्याज नहीं भरा जा रहा लोगों से, वो कहाँ जाएंगे लोग? सिर्फ आश्वासन मिला है, वो लिखित में हमारे कोई भी नोटिस नहीं मिला है। हम हमें लिखित में चाहिए, जो भी चाहिए हमारे को रखना है या जो भी है हमारी सैलरी जो भी है, उसके बाद यहाँ से धरना खत्म होगा, नहीं तो धरना खत्म नहीं होगा। जब इसमें निष्काम सेवा थी और जी अगर जब 2015 में आपने लगाया तब ये निष्काम सेवा का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा आपने? फिर 2019 में आपने लगाया तब क्यों नहीं रखा? आज 2023 में आपको याद आ रहा है कि ये निष्काम सेवा है? सर ऐसा अभी तक हमें किसी का समर्थन नहीं मिला है। अच्छा, हमें मिला है समर्थन डीटीसी अफसरशाही करने के लिए थे और हमारा शोषण किया गया है, सरकार भी कर रही है, हमारे बड़े बड़े अधिकारी थे उन्होंने सबने हाथ उठा लिए। ये देखो अपने बहनों की विडम्बना को देखो, जो तुम्हारा में घर बैठ के बनाना चाहिए था आज हम सड़कों में बैठ के बना रहे हैं। तुमने हमें बहन बनाने का आश्वासन दिलाया था लेकिन देख लो आज तुम्हारी बहन खुद की बहनें कहाँ आके खड़ी हुई है। हम सरकार से यही अपील करते हैं, जो हमारा 6 महीने से वेतन रुका हुआ है वो वेतन दे, हमारा रोजगार जो आप लोगों ने हटा दिया है वो रोजगार दे। दिल्ली सरकार से यही कहना चाहूंगी कि 5 महीने से हमारा वेतन न आने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर बैठे एलटी हाउस में हम दिल्ली सचिवालय पे आज हमें 8वां दिन है, अब तक यहाँ पे ना कोई विधायक, ना कोई मेयर, ना कोई अंदर से एलजी साहब या कोई भी यहाँ के कोई हमसे नहीं पूछना चाहता। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 6 के बाहर, और आप यहां पर देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है ये दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की भीड़ है, और पिछले 8 दिनों से यहां पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं क्योंकि इन सबको दिल्ली सिविल डिफेंस से निकाल दिया गया है एक ऑर्डर के तहत। वो ऑर्डर क्या है, क्यों निकाला गया है, सब अभी सिविल डिफेंस के जो यहाँ पर जो सीनियर वार्डन्स हैं और जो वॉलंटियर्स हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का हाल कहें कि इस समय बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि चाहे वो दिल्ली होमगार्ड हो, चाहे दिल्ली सिविल डिफेंस हो, चाहे दिल्ली आंगनवाड़ी के वर्कर्स हो, सबके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, 1 महीने तक उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, बिना किसी नोटिस के उनको हटा दिया जा रहा है, और जिसको लेकर के दिन रात वो सड़कों पर सरकार को अपनी गुहार लगाने में लगे हैं, सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही है। इस तरह का माहौल दिल्ली में इस समय चल रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन संजय जैन के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, और आइए इसको पूरी खबर को आप तक दिखाने का बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपका शुभ नाम परिचय पहले हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। किस पोस्ट पर हैं आप सिविल डिफेंस में? सिविल डिफेंस में मार्शल के तौर पर भर्ती किए गए थे 2015 में। अच्छा जी, तो क्या क्या वजह है जो आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को और इसके माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? हम यही बात पहुँचाना चाहते हैं जो इस मांग कर लेके हम बैठे हैं, आज 8वां दिन है हमारा धंधे का यहाँ पर। देखिए 5 महीने से हमें वेतन दिया गया है और बिना किसी अल्टीमेटम के हमें निकाल दिया गया है। 31 तारीख को एक ऑर्डर जारी कर दिया जिसमें हमें हमारी सेवा थी वो बर्खास्त कर दी गई है। कहीं भी हम ड्यूटी कर रहे थे हम सबको घर बिठा दिया गया है। एक बार होता बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी सूचना के हमें घर बिठा दिया गया। इस त्यौहार के टाइम पे हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद 5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली तो हम सब कर्जे में हो गए। दूध वाले राशन नहीं दे रहे हमें, दुकान पे जाते हैं हम खा लेते हैं, कर्जा कर रखा है दुनिया भर का, दुनिया ने ब्याज के पैसे ले रखे, ब्याज नहीं भरा जा रहा लोगों से, वो कहाँ जाएंगे लोग बाग? बिल्कुल, 8 दिन से तो लगातार आप यहाँ पर हैं, उससे पहले भी आप गवर्नर के यहाँ और मुख्यमंत्री के यहाँ पर जाते रहे हैं, तो वहाँ जाकर के कुछ क्या सोल्यूशन अब तक? हमारे को सिर्फ आश्वासन मिला है, वो लिखित में हमारे को कोई भी नोटिस नहीं मिला है। हमें लिखित में चाहिए, जो भी चाहिए हमारे को रखना है या जो भी है हमारी सैलरी जो भी है, उसके बाद यहाँ से धरना खत्म होगा, नहीं तो धरना खत्म नहीं होगा। ठीक है, और घर पे बहुत दिक्कत हो रही है, राशन बंद कर दिया है, किराया देना, EMI चल रही है,
रोज यहाँ पे बस में आते, तीन तीन चार चार घंटे लगते हैं हमारे को आने में, बहुत दूर से आना पड़ता है, रात को रुकना ही पड़ता है दिन रात। ना ही हमारे यहाँ कोई सुविधा है, खाने का था, खाने का सरकार ने बंद करा दिया हमारा, गुरुद्वारे से आता था खाना हमारा, पानी भी नहीं है, पानी भी खाली है, सब परेशान है। सबसे मेन मुद्दा है जो महिला लेडीज रात को यहाँ पे रुकती भी है, डेढ़ सौ लेडीज यहाँ पे रुकती है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम के लिए नहीं है, ये बाथरूम बना हुआ है यहाँ पे, रात को ताला बंद हो जाता है बाथरूम का, अब किसके अधीन ये बाथरूम आता हमें नहीं पता, ये ताला बंद होता है, महिला बहुत परेशान है। देखिए कितने शर्म की बात है, बता रहे हैं कि यहाँ पे बाथरूम जो टॉयलेट की सुविधा है वो भी रात को बंद कर दी जाती है, क्या सोच के बंद कर दी जाती है, दिल्ली सरकार जाने, सामने सचिवालय आप देख सकते हैं यहाँ पर। सरकार की नाक के नीचे ये धरना प्रदर्शन पिछले 8 दिनों से चल रहा है, जो शौचालय की सुविधा उसको भी बंद कर दिया जाता है, क्या कहना चाहिए? ये सरकार कहीं ना कहीं हमसे डर चुकी है, क्योंकि दिल्ली का मार्शल एक 16,000 मार्शल है, और वो सोचती है कि इन्हें तोड़ने की कोशिश करें। तोड़ने की क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने आप लोगों को नियुक्त किया था, दिल्ली सिविल डिफेंस को काफी जो है जॉब भी दी थी उन्होंने जो काम, हालांकि ये वॉलंटरी है और पहले ही बताया जाता है कि आप स्वयं सेवक हैं तो उसमें तो पैसा होता नहीं है, फिर भी दिया, एक अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कि 1968 का एक एक्ट दिखाते हैं कि उसमें निष्कांत सेवा होती है, आपकी अच्छी बात है, जब इसमें निष्कांत सेवा थी और ये अगर जब 2015 में आपने लगाया तब ये निष्कांत सेवा का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा आपने, फिर 2019 में आपने लगाया तब क्यों नहीं रखा, आज 2023 में आपको याद आ रहा है कि ये निष्कांत सेवा है? अगर निष्कांत सेवा थी तो आपके जो IAS ऑफिसरों ने जो दी थी उस टाइम किस धारा के तहत लगा दिया, और अगर आज वो IAS ऑफिसर फिर जाग चुके हैं तो उन्होंने किस एक्ट के तहत हटाया है? क्या हमारी 9 साल जॉब लेने के बाद, 9 साल सेवा लेने के बाद अब उन्हें याद आ रहा है केजरीवाल साहब को? अभी हमने LG साहब से पूछा कि आपने ये प्रस्ताव निकाला है कि हमें हटाया है, तो उन्होंने साफ हमसे कहा था कि आपके केजरीवाल साहब ने लगाया था और उन्हें हटा दिया, क्योंकि उन्होंने खुद प्रस्ताव LG साहब के पास भेजा था कि 31 तारीख तक इनका वेतन दे दिया जाए और इनको हटा दिया जाए। तो दिल्ली सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा प्रस्ताव किस एंगल से दे दिया, क्योंकि क्या IAS ऑफिसर उस टाइम नहीं थे? क्या आज IAS ऑफिसर 2023 में नए पढ़ के नया कानून नया संविधान लेके आए? हम उनसे कहते हैं अगर चलो मान लो सिविल डिफेंस में खामियां हैं, हो सकती हैं कोई एक्ट होंगे जो निष्कांत सेवा के लिए वॉलंटियर हम मानते वॉलंटियर है, तो आपके पास दिल्ली की महिला की सुरक्षा के लिए आपने दिल्ली बस मार्शल लगाया, जब मार्शल की बात होती है तो आप ये नहीं कहते सिविल डिफेंस है, ये कहते हैं हमारे बस मार्शल है। जब बस मार्शल की बात कर रहे हो तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट के पास अपना खुद का बस मार्शल है जिसमें एक्स सर्विस लगे हुए हैं, तो आप ना हमें दर-दर की ठोकरें क्यों खिला रहे हैं? आपने पहले 5 महीने से हमें तड़पाया, सैलरी नहीं दी, उसके बाद आपने क्या किया, हमें नौकरी से निकाल दिया। किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते 3 महीने का नोटिस मिलता है, इसमें तो उन्होंने कुछ मौका ही नहीं दिया हमको। बिल्कुल सही बात है। तो आपका शुभ नाम परिचय एक बार बताओ। मेरा नाम इलियास मेवाती है और मैं DTC में मार्शल कार्य करता हूं, और मैं उनसे केजरीवाल साहब से यह कहना चाहता हूं, एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर LG साहब होमगार्ड में नहीं हमें कमिट करते हैं कोई दिक्कत आती है तो आपके पास अपना मार्शल सेल है और DTC का अपना है तो आप अपने ट्रांसपोर्ट विभाग में ले लीजिए हमें, क्यों देरी कर रहे हो आप और आप हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? चलिए ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर अधिकारी तक हमारी वीडियो पहुंच रही है तो ये लॉजिकली बात जो है इसका आंसर देने की कृपा करें, और आगे भी मिलवाने की कोशिश करता हूं। समस्या सर देखिए, अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और मैं DSSSB दिल्ली सरकार का जो संस्था है उसमें कार्यरत था ड्राइवर के रूप में, जो 1 तारीख से हमें एक नोटिफिकेशन के माध्यम से नौकरी से हटा दिया गया है, और ये कह के हटा दिया गया है कि जो दिल्ली नागरिक सुरक्षा है, दिल्ली सिविल डिफेंस है, 1968 एक्ट में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली नागरिक सुरक्षा जो सेना है ये सिर्फ आपातकाल स्थिति में काम करती है। तो हम उन सभी अधिकारियों से जानना चाहते हैं, सरकार से जानना चाहते हैं कि आपातकाल स्थिति में जब काम करवाना था तो इन्होंने हमें नौकरी दिया क्यों? अब 12-13 साल काम करवाने के बाद उस वक्त अगर ये नहीं देते तो हो सकता है हमारा भविष्य और भी सुनहरा हो सकता था, हम कहीं और भी अपना व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन अब अचानक बिना बताए, एक तो पिछले 6 महीने से इन्होंने सैलरी नहीं दिया है, सैलरी रोका हुआ है, उसके बाद बिना बताए 1 तारीख से इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके सभी का ड्यूटी स्थगित कर दिया गया है। अब हम कौन चाहता है कि यूनिफॉर्म पहन के और सड़क पे बैठे, हम लाचार और मजबूर है, हमें सैलरी जब तक नहीं मिलेगी और जब तक हमें नौकरी वापस नहीं दी जाएगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जय हिंद, बहुत धन्यवाद।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्होंने अपने बोर्ड होर्डिंग्स और ये जो स्लोगन्स के जरिए अपनी बात को दिल्ली सरकार तक पहुँचाने प्रदर्शन के माध्यम से ये पूरा नजारा जो है इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर लोग 8 दिनों से ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ चुके हैं, रात दिन रात यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों समेत यहाँ पर आकर के बैठ रहे हैं। ये सामने का नजारा है, कितने जो वॉलंटियर्स हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के सभी यहाँ पर आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। मेरे लेफ्ट में महिलाएं हैं और राइट में जो पुरुष वर्ग है। तो अभी बाकी का भी मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं। और दीपावली में बोनस के तौर पर हमको हमारी नौकरी से बाहर कर दिया, सही है गलत? नमस्कार सर, नमस्कार। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दे। नमस्कार जी सर, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, मैं मार्शल पीटीसी बस मार्शल सेक्टर 8 द्वारका द्वारका से। तो आपके जो वार्डन होते हैं जैसे सीनियर वार्डन, पोस्ट वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, चीफ वार्डन, वो इस तरह के रैंक वाले लोग भी आपके साथ यहाँ आए? सर ऐसा अभी तक हमें किसी का समर्थन नहीं मिला है। अच्छा, हमें मिला है समर्थन डीटीसी एक्सरसाइज करने के लिए थे और हमारा शोषण किया गया है, सरकार भी कर रही है, हमारे बड़े बड़े अधिकारी थे उन्होंने सबने हाथ उठा लिए, बल्कि उनको और डराते हैं कि आप लोगों को नहीं जाना, आगे धरने पे नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग कब तक शोषण होता रहेगा? 5 महीने का वेतन नहीं मिला, हमारे घर में रक्षाबंधन नहीं बनता, दिवाली नहीं बनती, हमारे नवरात्र से गए, हम किसके घर जाएं, कब तक कर्जा खाएं? भाई से 500 रुपए लेते हैं, कभी पड़ोसी से 500 रुपए लेते हैं, राशन दो किसके घर में खर्चा नहीं है। अगर मंत्री साहब अपनी तनख्वाह 1 महीना छोड़ के देखे, ये समाज सेवा के लिए आए थे, इनके विधायकों की 50,000 तनख्वाह थी, आज ये 2.5 लाख की जगह 5 लाख रुपए ले गए तनख्वाह। तो मार्शलों की ऐसी क्या गुनाह है जो इनका वेतन अब तक रोका गया है, इसका जवाब क्यों नहीं देते? हम नावला मैदान में नहीं बैठे, हम इनके पास 2 मिनट का रास्ता है, फिर भी सचिवालय के सामने बैठे, यहाँ भी अभी तक कोई विधायक कोई मंत्री कोई आया? मैं कहता हूँ इनका कोई नुमाइंदा नहीं आया सरकार का। हम तो कहते हैं मंत्री साहब आपके पास समय नहीं है, तो आपका कोई सांसद आए, कोई विधायक आए, आपका अगर हमारे बीच में कोई निगम पार्षद आए, हम उसको भी सुनेंगे, हमारी समस्या को सुना जाए। कितनी शोचनीय स्थिति है कि सचिवालय के बाहर बैठे हैं दिल्ली के 68 विधायक यहाँ पर मौजूद है, दिन रात यहाँ पर बैठते हैं एक तरह से कह सकते हैं, और सामने नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन इनकी सुध लेने अभी तक कोई नहीं आया है। हालांकि इनको यहाँ परमिशन दी गई है, यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ महिलाओं से। भाई सर नमस्कार, बहुत स्वागत है जी, बताएं अपना नाम परिचय और अपनी बात बताएं। सर मेरा नाम आदित्य राय है और लगभग ये इस आंदोलन का आज 8वां दिन है, और यहाँ पर जब भी हम पूरे दिल्ली सरकार ने हमें दिल्ली की आज जितने भी बस मार्शल्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी एक ही समस्या है कि दिवाली के तोहफे पर उन्हें उनका बेरोजगार हो गए हैं और उनका जो रोजगार है वो छिन गया है। तो आज दिल्ली में जो 80% लोग रेंटेड के मकान में रहते हैं और उनकी बहुत ज्यादा ऐसी समस्या हो रही है जिसकी वजह से वो भूखे मर रहे हैं, और महामारी की तरह हो गई है दिल्ली के अंदर में, एक समस्या महामारी की तरह आ गई है, महामारी भगाने वाले खुद ही आप देख सकते जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके जो वकील है दिल्ली में पूरी दुनिया के जाने माने अधिवक्ता है एपी सिंह जी यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। आइए तो आइए हमारे हिंदुस्तान के जाने माने अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर एपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हमारे वॉलंटियर्स बता रहे थे कि किस तरह से आप इस लड़ाई को लड़ पाएंगे? देखिए ये लड़ाई दिल्ली सिविल डिफेंस सर्विसेज की है और अब हम इन सबसे रूबरू भी होंगे, तो ये जो विषय है इतना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सरकार इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन को लेके चली, हम उस आंदोलन के साथी थे, अन्ना आंदोलन के समय हम सब ने और दिल्ली के लोगों ने ही
ये कोई पहले से बनी हुई पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। सब हम लोगों ने दिल्ली में बनाई, और इसलिए बनाई कि लोगों को रोजगार मिले, सहूलियत मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन वो नहीं खत्म हुआ, वो यहाँ दिख रहा है। ये वो दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग थे जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं की, वैक्सीनेशन किया, लॉकडाउन को सफल बनाया, लोगों को भोजन कराया, कोरोना योद्धा कहा गया उस समय। जब अभी दिल्ली में बाढ़ आई तो लोगों की जान बचाई, कोरोना काल में दवाइयां लोगों को पहुंचाई, स्कूलों में भोजन वितरण कराया, बसों में सुरक्षा दी। कौन सुरक्षा दे पाए? क्या केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी हर बस में मार्शल बन के घूमते थे? वादे वो करते थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा देंगे, सुरक्षा कौन करता था? ये सारे दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग, तमाम विभागों में एडीएम ऑफिस हो, कई ऑफिस हो, जहाँ सब तक है, इन्होंने अपना पूरा सर्वस्व। सैलरी तो बहुत थोड़ी मिलती थी, काम बहुत ज्यादा किया क्योंकि बेरोजगारी थी, रोजगार मिला दिल्ली में मिला तो इसलिए किया। आज दिल्ली सचिवालय के सामने बैठे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, इन्हें शौचालय जो दिल्ली के शौचालय हैं, यहाँ के इनके पैसों से बने हैं, इनके टैक्स के पैसों से बने हैं दिल्ली सरकार, तो उनको रोका जा रहा है, भोजन व्यवस्था को रोका जा रहा है। चार लोग इनके भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, चार लोग भूख हड़ताल पर ही बैठे हुए हैं। इनके लिए आज कोई मंत्री नहीं उठ के इसमें से आ रहा, कोई विधायक नहीं उठ के आ रहा। निगम में भी सरकार बन गई, अच्छी बात है, चलो डबल इंजन की सरकार बन गई, राज्य में भी है तो निगम में भी है। जी सर। अब तो और पैसा मिलना चाहिए, अब और धन मिलना चाहिए, लेकिन अब यहाँ कोई ना तो मेयर आ रहा है, ना विधायक आ रहा है, ना निगम पार्षद आ रहा है, ना मिनिस्टर केजरीवाल जी आ रहे। आप पहले अपने घर को तो देखिए, आप बाहर जा रहे हैं, बाहर सरकार बनानी है केंद्र, पहले इनको तो देखो। बिल्कुल। ये महिलाएं बैठी हैं महिला सुरक्षा के नाम पर, बस में किया काम किया, महिलाओं की मदद की। आज इनके साथ दिल्ली की जनता है। जी बिल्कुल। इनके साथ सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली की आम जनता इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के लोगों की मदद की है, दिल्ली की महिलाओं की मदद की है, दिल्ली के लोगों की मदद की है। सर, तो इसलिए जी 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 सर, दिल्ली सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, इनके लिए कहा जाता है कि स्वयं सेवक है। जी, इसे ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? स्वयं सेवक तो है क्या, ये हटाना कहाँ था? नौकरी पे तो रखेगा तभी तो हटाने की बात कर रहे हैं, तो स्वयं सेवक है तो कर रहे थे, जैसे चल रहा था चलने देते, जैसे इतने दिन से चल रहा था चलने देता। दिल्ली सरकार का सिर्फ ये राष्ट्रीय सिविल डिफेंस के स्वयं सेवक ही नहीं, बल्कि जैसे होमगार्ड है, दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर है, सभी के साथ ऐसा रहा, उनकी सैलरी नहीं मिल रही, उनको हटा दे रहे हैं, इस पर सरकार का क्या? अब सैलरी इसलिए नहीं मिल रही, उन्हें पैसा गठबंधन को देना है, अन्य राज्यों के चौरे साहब, एक जगह का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, आपके तो दो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आप दो राज्यों के मुख्यमंत्री होके नहीं कर पा पूरा करवा पा रहे, इससे गलत मैसेज जा रहा है, उनके लिए भी गलत है, दिल्ली की जनता के साथ भी। चुनावी वादा जो आपने महिला सुरक्षा और सब किए हैं वो खत्म हो रहे हैं, और वो गलत है, लेकिन दिल्ली की जनता सिविल डिफेंस और इन सब के साथ है, सुरक्षा में साथ देने के लिए। सर, सीनियर जर्नलिस्ट संजय जैन, आपसे मुलाकात हुई है प्रेस क्लब में, इनको लीगल रेमेडी क्या रहेगी आगे? लीगल रेमेडी इनकी लड़ाई अभी नहीं, लीगल रेमेडी देखिए अभी लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, और अगर कोई लीगल रेमेडी की जरूरत होगी तो हम सब लोग मिलके लीगल रेमेडी लड़ेंगे, इनकी लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे, हाईकोर्ट में लड़ी जाएगी इनकी लड़ाई, और निश्चित तौर पर हमें अधिकार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे साथ दिल्ली सिविल डिफेंस की कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, वैसे तो तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं दूर तक पीछे तक बैठी है, लेकिन हम कुछ महिलाओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की और उनकी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, अपना नाम परिचय दें और बताएं कि यहाँ क्यों बैठे हैं और सरकार से क्या चाह रहे हैं आप लोग? मेरा नाम रीना है, और हम सरकार से चाह रहे हैं कि हमारा 5-6 महीने का जो वेतन है वो दिया जाए और हमारी रोजगार वापस दिया जाए, ठीक है? और हमको जहाँ तक हो सके तो हमको पक्का करने की कोशिश करें, बस हम सरकार से यही चाह रहे हैं। हम वही हैं जो कि आपने 2019 में हमको भैया दूज का तोहफा दिया था, कहा था कि गिफ्ट है ये, जो हमारे ये रक्षा कवच दिया था मार्शल, ये मार्शल का कवच दिया था हमको, ठीक है? और ये कहा था
कि तुम जाओ तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा और तुम जाओ अपने भाइयों की और बहनों की रक्षा करो, सभी बहन भाइयों को हमको ये दिया गया था, तो आज हमसे अधिकार ये क्यों छीन लिया गया? ये यही बनाया हमारा वेतन हमारा रोजगार। देख सकते हैं कि इस करवा चौथ पर इन्होंने अपने हाथों पर क्या लिखा है, हालांकि करवा चौथ था लेकिन ये यहाँ प्रदर्शन में शामिल थी। ये देखो अपने बहनों की विडम्बना को देखो, जो त्योहारा में घर बैठ के बनाना चाहिए था आज हम सड़कों में बैठ के बना रहे हैं। तुमने हमें बहन बनाने का आश्वासन दिलाया था लेकिन देख लो आज तुम्हारी बहन खुद की बहनें कहाँ आके खड़ी हुई है। सर हम आपसे इतनी सैलरी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हम अपने सिर्फ अधिकारियों की सैलरी मांग रहे हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी सैलरी देखो और हमारी सैलरी देखो, लेकिन हम उनसे काम भी ज्यादा करते हैं। जितनी सैलरी में तुम 3 वॉलंटियर रख सकते हो और उतनी सैलरी जितनी सैलरी में आप 1 वॉलंटियर रखते हो उतनी सैलरी में हम 3 वॉलंटियर आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारे से काम भी पूरा लिया जाता है। आज ये स्थिति आ गई है कि इतना पैसा कम होने के बाद भी हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सबीरा और मैं मार्शल तौर पे काम करती हूँ और हमारी 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिल जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरा नाम यमिता है, मैं सीमापुरी डिपो में थी। हम सरकार से यही अपील करती है जो हमारा 6 महीने से वेतन रुका हुआ है वो वेतन दे, हमारा रोजगार जो आप लोगों ने हटा दिया है वो रोजगार दे। हम केजरीवाल जी से ये पूछना चाहते हैं कि जब हमें लगाया था जब ये सरकार बनी थी तो उन्होंने कई वादे किए थे हम लोगों से कि हम महिलाओं को और मेल को मतलब रोजगार देंगे, अब वो मंत्री कहाँ पर है जो जिसने ये वादे किए थे? अब हमारा रोजगार क्यों छीना जा रहा है? केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, अगर पैसा बहुत है तो फिर कहाँ है वो पैसा? ये जो जनता यहाँ पर अपने बच्चे लेके बैठी है, हम लोग त्योहार भी हमने यही मनाया, मुझे लग रहा है कि दिवाली भी हमें यही मनानी पड़ेगी, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? ऐसे हमें ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमने अगर सरकार बनाई है तो हम सरकार गिराना भी जानते हैं, हमारे से सरकार है हम सरकार से नहीं है। सरकार की बात कह दी, 2024 लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, क्या करने वाले हम यदि आपकी बात नहीं सुनी? अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो जैसे हमने सरकार को 3 बार बनाया तो अब की बार हम सरकार को गिरा भी देंगे। जी सर, मेरा नाम कौशल है और मैं मार्शल रूप में तैनात हूँ। सर, दिल्ली सरकार से यही कहना चाहूंगी कि 5 महीने से हमारा वेतन न आने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर बैठे एलटी हाउस में हम दिल्ली सचिवालय पे आज हमें 8वां दिन है, अब तक यहाँ पे ना कोई विधायक ना कोई मेयर ना कोई अंदर से एलजी साहब या कोई भी यहाँ के कोई हमसे नहीं पूछना चाहता। हमारे 4 साथी भूख हड़ताल पर है, अगर उनको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अंदर बैठे दिल्ली सचिवालय के अधिकारी होंगे। मेरा नाम पंकज है। सर, यहाँ पे हम 5-7 दिन से कंटिन्यू बैठे हैं, अभी तक किसी ने कार्रवाई नहीं करी है और जिसमें कि पैसे भी नहीं आए जिसके कारण मेरी पढ़ाई भी रुक चुकी है। हमारे साथ महिला हैं, ये बवाना से हैं और जैसे मेरी इनसे चर्चा हुई है तो ये पिछले 30 सालों से सिविल डिफेंस में है और इन्होंने बोला है कि जो महिला पुलिस अध्यक्ष रही है किरण बेदी जी जो पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही है उनसे प्रभावित होके ये सिविल डिफेंस में आई। आपके आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम श्यामो देवी है सर और मैं काफी टाइम से इस महकमे में काम करती हूँ, मुझे बहुत सारी बातों का पता है। फिर बाकी देखो ये केजरीवाल साहब ने हमारे साथ क्या किया, हमें ऑफिसों में काम करते थे उठा के हमें मार्शल लगा दिया। मार्शल लगाने से चलो कोई बात नहीं भाई, हम नारी हैं, बेल्ट बांधी हुई है, हमें काम करेंगे, कहीं भी भेज दो वही हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे साथ क्या खिलवाड़ करेगा सरकार? ये पता नहीं हमें बीजेपी कर रही है, पता नहीं हम पार्टी कर रही है हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? देखो हम भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटियां हैं, देखो हमारे बच्चों हमारे बच्चे हैं। तो आज मेरा बच्चा मेरे से ये बोला कि मम्मी आप धरने में मत जाओ बहुत ठंडा बीमार हो जाओगे। मैंने ये बोला बेटा तुम तो मेरे पास 2 बेटे हैं, तुम तो मेरे 2 बेटे हो और वहाँ मेरे जवान कितने हैं, जो मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे जवान की हिम्मत टूट जाएगी। ठीक है, मेरे बच्चों की हिम्मत टूट जाएगी और मैं ऐसी नारी हूँ अगर जान चली जाए फिर मैं हटूंगी नहीं, ये सिर पे चुन्नी बांध के और अच्छा भी नहीं हो जाओ हम यहाँ से नहीं हटेंगे और ये जितनी महिला मेरी बहन बेटी आएंगे सब मेरे साथ रहेंगी। ठीक है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमें किसी सरकार से कोई द्वेष नहीं है, हमारे बच्चों की रोटी रोजी बनाए
और हमारी तरफ देखे और हमारी बात सुने। क्या सरकार गूंगी बहरी थोड़ा होगी है? क्या उनके बच्चों को रोटी नहीं मिलती? आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम यशोदा। आप कहाँ पे पोस्टेड थी? हम तो दिशा गार्डन में। दिशा गार्डन में। आप भी अपना परिचय दे देंगे। सर मेरा नाम पूनम है और मैं सिमापुरी। कितने वर्षों से आप कर रही थी? मेरे को सर 4 साल हो गए हैं। 4 साल। आपका नाम? मेरा नाम जुबेदा है सर और मैं सिविल डिफेंस में 2006 से हूँ। 2006 से? हाँ जी। गजब है। आपका भी बताइए। मेरा नाम सुभावती है। कब से हैं आप? 2016 से। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो महिला है और भारत में सिविल डिफेंस जब शुरू हुई है तो हमारे प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू जी रहे, फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री रहे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी सब लोगों को एक इज्जत सम्मान दिया गया है। और जैसे आप देख रहे हैं पूरा इधर जो महिला वर्ग है आज अपने बच्चों को छोड़ के अब कई जैसे माता जी हैं, इनके 2 बेटे हैं और हम लोग की भी बहने आप लोग हैं, माता है हमारी, तो हम लोग हाँ यहाँ पे दिन रात एक कर चुके हैं। मतलब यहाँ सर यहाँ पे हम कंटिन्यू 27 तारीख से दिन रात यही पे हम लगे हुए है, यहाँ तक कि कोई मतलब यहाँ पे इतनी सीरियस कंडीशन में चला जाता है जिसको हमें हॉस्पिटल लेके एडमिट करवाना पड़ता है। पूरे पूरे रात आरएमएल में रह के फिर दोबारा सचिवालय को आते हैं। वो इस आस में कि हमारी नौकरी यहाँ पे सेफ है, हमारी नौकरी कहीं ना कहीं आस है कि बची रहेगी, इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन इनके मन में एक तो भावना जागेगी कि हमारे बच्चे वहाँ पे है तो हम उनको नौकरी रोजगार उनकी वापस करें। हमें उनसे कोई मांग नहीं है, ना हम उनसे पैसे चाहते है, ना हम उनसे किसी चीज की मांग करते, बस हमारी नौकरी हमें वापस दे ताकि हम इज्जत के साथ अपना काम करें, हम अपना रोजगार ले, हम अपनी दिनचर्या चलाएं, हमें हमारी आजीविका वापस की जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे एलजी साहब हो। एक्ट बनाता पहले तो क्या पहले एलजी साहब नहीं थे? उन्होंने ये एक्ट नहीं चेक किया? उनके क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? आज उन्होंने एक्ट के माध्यम से हमें इस काम में डाल दिया, किंतु वहाँ पे 190 के फिर 190 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स फिर से वर्किंग पे है, ऑन ड्यूटी है, कॉल आउट पे है और पेड है। क्या उनके लिए वो एक्ट नहीं है? क्या उनके लिए एलजी साहब ने चेक नहीं किया कि उनकी एक्ट है या नहीं है? ये हमारे साथ बोला जा रहा है, ये हमें नहीं पता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब सरकार हमारी है, हम जनता उनके है, हम सबका वोट डालते हैं, हम वोट डालते, लेकिन हमारा हाल तो हाल है। बस उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी नौकरी दे दें ताकि हम आजीविका सुचारू रूप से चला सकें, इससे आगे कोई मांग नहीं है हमारी। मेरा नाम स्नेहलता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनका जल्द से जल्द रोजगार दे। इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है जिसकी वजह से हम दिन रात यहाँ पे दे रहे हैं। हम लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, वो लाइट तक बंद कर देते हैं सर, ताकि हम लोग आप ये एकता को तोड़ने के लिए, लेकिन हम अपनी एकता को नहीं तोड़ेंगे। और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी और हमारा रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आपका नाम परिचय दें और बताएं अपनी बात। नाम दीपा देवी। दीपा देवी बोलिए आगे। ये 5 महीने सैलरी नहीं आई, उसके वजह से हम लोग यहाँ पे धरना पे थे पहले, अब तो भूख हड़ताल पे आ गए। अब ये कब तक आंसर चलेगा ये कुछ पता नहीं है। केवल जब तक अब हमें यहाँ से सैलरी की बात रही नहीं, सैलरी तो दूर की बात है, सैलरी तो आएगा ही आएगा, आ जाए कल आए आना है, लेकिन ये नौकरी से जो निकाले बिना कहे सुने निकाल दिए। इंसान प्राइवेट नौकरी भी कहीं करते हैं, कंपनी भी करते हैं, तो उसे 1 महीना 2 महीना पहले बताते हैं कि भाई आपका जो है इस तारीख से नहीं आओगे, अपना देख लीजिए, हाँ अपना कहीं और देख लेना, वो अपना व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहीं भी नहीं बताया कि हाँ आपका जो इतने दिन तक है, इतने दिन के बाद जो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बोले। डायरेक्ट 1 तारीख को बोलते हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आप बताओ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। वो तो जब तक हमें नहीं होते, अब तो हमें ना तो होमगार्ड चाहिए ना सिविल की तरफ से चाहिए। अब तो की डीटीसी बस मार्शल अब हमें डीटीसी से तरफ से देंगे तब तो हम लोग हटेंगे, नहीं तो ना तो हम सिविल डिफेंस की तरफ से जा रहे हैं वहाँ पे बस में, ना तो हम होमगार्ड की तरफ जा रहे हैं, डीटीसी मार्शल चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा इन महिलाओं की और जो पुरुष वर्ग है जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनकी क्या पीड़ा है, वो आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश करी।
और हम तो यही चाहेंगे कि दिल्ली सरकार इनकी बातों को सुने, इनकी ओर ध्यान दे और इनको दिवाली यहाँ इस तरह ना मनानी पड़े जैसे कि इनके पिछले त्योहार बीते हैं और सब अपने घर में राजी खुशी रहे, इनकी तनख्वाह इनको समय पर मिल जाए और इनकी फिर से बहाली हो। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी अब्दुल और संजय जैन के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और दिल्ली सरकार के इस रवैये पर, सिविल डिफेंस की इस पीड़ा पर आपके क्या है विचार, क्या है सुझाव, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।